हे एवरीवन, सो ये वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं नया टोयोटा अर्बन क्रूजर में जो शॉक सेंसर अवेलेबल है सिक्योरिटी अलार्म का, ये कैसे काम करता है। शॉक सेंसर इन द सेंस, जस्ट इन केस अगर कोई फोर्सफुली आपके व्हीकल में एंटर कर रहा है तो गाड़ी में अलार्म रेज होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। सो MID में इसका सेटिंग अवेलेबल है, उस सेटिंग तक जाने के लिए आपको जो ये राइट साइड में लीवर दिख रहा है इसे लॉन्ग प्रेस करना है। जब इस लीवर को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका MID पे ये डोर करके एक सेटिंग दिख गया। अब आपको इस लीवर को वापस से राइट साइड में या क्लॉकवाइज रोटेट करना है, आपको लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा। डोर और लाइट दोनों का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, इसमें क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है आप देख सकते हैं। और एक बार जब इसे आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी का सेटिंग दिख जाता है। इस सिक्योरिटी के सेटिंग को आपको एक बार प्रेस करना है। अब जब आप इसे प्रेस करेंगे तो S2 करके ऑप्शन आपको दिख रहा है, S2 पे ये लीवर को वापस से एक बार प्रेस करना है। S2 पे SL1 और SL2 दो ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये कौन सा दोनों में से SL1 एंगेज है एक्टिवेट है या SL2 एंगेज है एक्टिवेट है या कैसे पता करना है, तो आप देख सकते हैं ये AB ऊपर लिखा है। AB का मतलब करंटली ये जो SL1 S2 में सेटिंग है ये अवेलेबल है, ठीक है। अब SL1 S2 में SL1 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। SL1 सेटिंग बेसिकली आपने शॉक सेंसर को एक्टिवेट रखा है। अगर आप S2 पे इस स्विच को वापिस से प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं सक्सेस हो गया, सक्सेस मतलब सेटिंग सेफ हो गई। और S2 पे SL2 के ऊपर अब अवेलेबल का AB लिख के आ रहा है, विच मीन्स SL2 का मतलब ये होता है आपने सिक्योरिटी अलार्म को बंद करके रखा है। हाउएवर सिक्योरिटी रीजन से हम सजेशन ये देंगे आप हमेशा SL1 पे इस सेटिंग को ओके करके रखिए, जिसके वजह से अगर जस्ट इन केस कोई गाड़ी में मस्ती वगैरह कर रहा है तो अलार्म रेज हो जाए, कोई फोर्सफुली एंटर कर रहा है तो अलार्म रेज हो जाए और आप या गाड़ी के आसपास के लोग अलर्ट हो जाए, जिससे सिक्योरिटी इनहेंस हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या सेटिंग है। S3 करके एक ऑप्शन आपको अवेलेबल है। S3 बेसिकली एक प्री वार्निंग अलार्म होता है। ये जो प्री वार्निंग अलार्म है बेसिकली ये अलार्म बंद मतलब अलार्म रेज होके वापस से बंद हो जाता है, अलार्म बज के ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये एक वार्निंग अलार्म है, अगर कोई आसपास है गाड़ी के अलार्म बजता है तो दूर चले जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब आप S3 पे ये राइट साइड वाले लीवर को प्रेस करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं लो करके एक सेंसिटिविटी लेवल है, जो आप क्लॉकवाइज आपके स्टिक को लीवर को रोटेट करेंगे तो ये 15 लेवल तक जाएगा। जितना ज्यादा लेवल पे आप रखेंगे उतना ज्यादा इसका सेंसिटिविटी लेवल रहेगा, और उतना अगर कोई कभी ऐसा होगा अगर आपने मैक्सिमम सेंसिटिविटी पे रखे जैसे 15 पे तो कोई हाथ भी मारेगा तो ये अलार्म रेज हो जाएगा। तो जो आपको जैसा सूट करे, जैसा सिक्योरिटी सिस्टम आपको चाहिए, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसे 13 पे सेव कर देते हैं। आप देख सकते हैं सक्सेस लिख के आ गया। सेव करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था ये लीवर को आपको प्रेस करना है। अब जो S4 है आगे, S4 पे जब आप प्रेस करेंगे तो वापिस से आपको सेंसिटिविटी लेवल का सेटिंग आ जाएगा। अब ये S4 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। S4 फुल ब्लास्ट अलार्म बोलते हैं सिक्योरिटी अलार्म हम लोग। अब ये फुल ब्लास्ट अलार्म में जो अलार्म रेज होगा वो कंटिन्यूसली बजते रहेगा, और जब तक ओरिजिनल चाबी से आप गाड़ी को अनलॉक नहीं करेंगे अलार्म बंद नहीं होगा। सो इसमें भी सेंसिटिविटी लेवल को आप लो से लेके 15 के स्केल पे सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसे 9 पे रख देते हैं। जब आप इसे 9 पे सेव कर देंगे, जस्ट इन केस अगर कोई फोर्सफुली गाड़ी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है या कोई चीज लग जाती है गाड़ी को, किसी का हाथ वगैरह मतलब कोई मस्ती कर रहा है, तो वो केस में भी अलार्म रेज हो जाएगा और आप अलर्ट हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं जो भी सेटिंग आपको सूट करे आप इसे सेव कर सकते हैं, और एक बार सेव करने के बाद आप इस लीवर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जो बैक का ऑप्शन है बैक पे क्लिक करके सिक्योरिटी से आपको वापस एंटी क्लॉक करके डोर आ जाएगा। डोर के पहले जब आप एंटी क्लॉक करेंगे आपको एंड का सेटिंग मिल जाएगा, उस पर जब आप प्रेस कर देंगे तो MID पे आप वापस से चले जाएंगे। अब आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट रहेगा आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, उसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच।